खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां बुढ़नपुर क्षेत्र के बड़ा गांव स्थित क्रिसेंट सिटी स्कूल का आज दोपहर 11 बजे उद्घाटन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में आजमगढ़ के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरबी त्रिपाठी ने फीता काटकर विद्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि निश्चित रूप से डॉक्टर मनीष त्रिपाठी और भानु प्रताप सिंह द्वारा बड़ी ही सराहनीय पहल है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शहरी तर्ज पर शिक्षा देने का जो इन्होंने संकल्प लिया, वह बड़ी ही सराहनीय है। शिक्षा की बदौलत ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उदयराज तिवारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, शिक्षा एक ऐसी आधारशिला है जिसके द्वारा राष्ट्र को निर्माण से लेकर संस्कार निर्माण का कार्य किया जाता है। अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा के लिए ऐसे विद्यालयों का काफी अभाव रहा है। कॉन्वेंट की तर्ज पर शिक्षा लेकर देहात के बच्चे भी अब शहरी बच्चों के मुकाबले अपना भविष्य बेहतर बना सकेंगे। प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे कार्यों की मैं सराहना करता हूं और अपील करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी विकास किया जाए, जिसके दम पर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा अच्छी हो सके व भविष्य में सफल बन सके। डॉक्टर रजनी त्रिपाठी ने बताया कि यह एक सुनहरी पहल होगी, कम फीस में अच्छी शिक्षा मिले, यह सबका सपना है। विद्यालय के डायरेक्टर भानु प्रताप सिंह ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मौके पर ज्ञानमती देवी, बीजेपी के युवा नेता रविकांत तिवारी, अंकित गुप्ता एरोला के मंडल अध्यक्ष रविंदर उर्फ बबलू सिंह, दयानंद शुक्ला, बाबा गोपीदास के प्रबंधक रविन्द्र चौबे ने, आनंद पांडे, प्रमोद उर्फ मुन्ना यादव, विजय दत्त पांडे, हरीश तिवारी भाजपा के वरिष्ठ नेता, रमाशंकर वर्मा, संतोष चौबे, उदय राज यादव, उपेंद्र मिश्रा, रुद्र शर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। और फिर पिछले विधानसभा चुनाव में आपका चेहरा काफी चर्चित रहा है और आप विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे आए थे, अभी भी आप विधानसभा छोड़ के नहीं हटे हैं। तो इसके बाद आप विद्यालय खोलने का क्या उद्देश्य है आपका? एजुकेशन से ही एजुकेशन सिस्टम को सुधार करके राजनीति में जाना चाहते हैं या कोई मनसा है? क्योंकि अतरूलिया आप लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आप अतरूलिया जमे हैं, इसके पीछे कुछ कारण भी और आकर के पूरी जड़ जमा लिए हैं, अब यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्या कारण है कि अतरूलिया में आप क्या देख करके आए और आप रह गए, ना तो आप लड़े ना तो अभी कुछ किए? जी, मेरा नाम, आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष त्रिपाठी है, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, आजमगढ़ में मेरा अस्पताल है और मैं यहाँ पिछले वर्ष पूरी तैयारी भी किया था चुनाव लड़ने की, परंतु जो मेरा यहाँ लोगों से लगाव है, मैंने यहाँ पूरा जो अपने अतरूलिया क्षेत्र में भ्रमण किया तो मैंने देखा कि यहाँ पर हमेशा ही विकास से पीछे रहा ये क्षेत्र, जबकि यहाँ पर बहुत ही क्षमता है। पूरा शहर, पूरा अतरूलिया विधानसभा नहर से बना हुआ है, यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसको अगर गवर्नमेंट इस पर कोशिश करे तो कृषि क्षेत्र में बहुत ही आगे काम कर सकती है। विद्यालयों की बहुत ही स्थिति यहाँ पर ख़राब है, या तो बहुत अगर कोई चलाने की कोशिश कर रहा है तो वो शिक्षा नहीं दे पा रहा है जो बच्चों को चाहिए, और कोई भी समाज, कोई भी जिला तभी विकास कर सकता है जब वहाँ लोग, वहाँ के लोग शिक्षित हों। जब यहाँ के लोग शिक्षित होंगे, यही लोग बाहर पढ़ के जाएंगे तो अपने ज़िले के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहेंगे, तो उनको मालूम रहेगा क्या वहाँ पर वहाँ ज़रूरत है, क्या एक अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। उसी के प्रयास में सबसे पहले मैं हमेशा आता रहा हूँ यहाँ, हमेशा युवाओं से मिलता रहता हूँ, सारे कार्यक्रम में आता हूँ, लेकिन एक पहले शुरुआत विकास के लिए मैंने एक विद्यालय खोला है। और हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है स्कूल के पढ़ाई के बच्चों के लिए, वो बहुत ही ध्यान रखा गया है कि जो गरीब बच्चे हों या जो मीडियम मिडिल क्लास के बच्चे हों वो अपना उसका कर सकते हैं। जो गरीब बच्चे हैं अगर वो पढ़ना चाहते हैं, अगर उनके क्षमता है, हमारे हमेशा टेस्ट होते रहेंगे, जो भी उसमें अच्छा, जो एकदम नहीं कर सकता, जिसके पास शिक्षा फीस भरने की क्षमता नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे टेस्ट में अपनी क्षमता दिखाता है तो हम उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको डिस्काउंट करके उसको आगे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कहने का ऐसा है कि पूरे क्षेत्र को आप शिक्षा से पहले जोड़ना चाहते हैं, शिक्षित करके फिर स्वच्छ समाज का निर्माण करना चाहते हैं इसके, और इसके पीछे मतलब और भी जो आपकी टीम लगी है जैसे काफ़ी प्रयास कर रहे हैं सारे हमारे युवा भाई और भाई हैं, कभी क्या कभी आपसे कहीं से लोग, अब आजमगढ़ पे सरकार का पूरा फोकस है, तो हम लोग अगली बार अतरूलिया विधानसभा में भी काम करके यहाँ पे भाजपा का झंडा लगाना है, तभी हमारा अतरूलिया विधानसभा तेजी से विकास कर पाएगा। तो जैसे कि आप एक हम्बल बिहेवियर रहा है और आप हॉस्पिटल में चलाते हैं, और कई बार ऐसा देखा गया है कि इलाज के दौरान
जब आप पैसा मैनेजर से मांगते हैं उसको लोग तो आपके पास फोन जाता है सर थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 बिल होता है तो आप 30,000-35,000 कर देते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपने परेशानी बढ़ा ली स्कूल खोल के फीस पे भी लोग फोन करेंगे मनीष जी थोड़ा देख लीजिए। नहीं मुझे पैसे की जरूरत नहीं लगती, मुझे आशीर्वाद की जरूरत लगती है और आशीर्वाद जो गरीबों का लगता है वो आशीर्वाद कोई दे नहीं सकता। वैसे तो जिंदगी भर कमाना है और हाथ पर भगवान की है, दिमाग ऊपर वाले दिया है तो मैं कहीं बैठूंगा पैसा कमा लूंगा। तो जो है अभी शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, अगला मेरा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी मैं यहाँ काम करूँगा कि हम लोगों को इलाज मिल सके सस्ते से सस्ते रेट पर, जो है वो दूर था भागना पर। मेरा नेक्स्ट टारगेट अभी स्वास्थ्य क्षेत्र में घुसना है या आगे स्वास्थ्य क्षेत्र में मैं काम करूँगा वादा करता हूँ। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है, मैं इस क्रिसेंट सिटी स्कूल का फाउंडर डायरेक्टर। क्रिसेंट सिटी स्कूल 2014 बनारस में सबसे पहली बार ओपनिंग हुई थी इसकी। सिंस देन वी आर गिविंग अ गुड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स एंड ऑलमोस्ट ऑल द गार्जियंस आर सेटिस्फाइड विद आवर एजुकेशन सिस्टम। एंड आफ्टर दैट इन 2020 वी ओपन्ड अनदर स्कूल इन जौनपुर, दैट इज इन चपटापुर एक्चुअली, and we are giving good education for there also. And now with the help of Dr. Manish, now we are opening another school in Jodhpur, that is in Atrolia Chhetra, Bodhanpur exactly, Bada Gaon mein. So hamara jo motive hai ki bachchon ko jo thoda sa kind of rural belt se bachche belong karte hain, इन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी जा सके। अच्छी शिक्षा का मतलब केवल इससे नहीं है कि जो उनका कोर्स है उसको पूरा करा दिया जाए और जो भी थोड़े बहुत टाई बेल्ट पहन के आ जा रहे हैं तो वो स्मार्ट बन जा रहे हैं, नहीं। एक्चुअली हम चाहते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और सर्वांगीण विकास केवल पढ़ाई नहीं, उसमें उनकी कम्युनिकेशन स्किल आती है, वो कहीं भी खड़े होकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ दो शब्द बोल सकें, ये हम चाहते हैं। साथ में गेम्स पे क्या होता है कि आजकल क्या है, बच्चों को केवल फोर्स कर रहा है, गार्जियन फोर्स कर रहा है कि नहीं केवल पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो हमारा जो हम दोनों लोगों का मोटिव है कि बच्चों को गेम्स के ओर भी थोड़ा सा आकर्षित करना है, उसमें भी फ्यूचर सोच सके बच्चे, ऐसा ना हो कि केवल पढ़ना है लिखना है, गेम्स भी अगर फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अगर उनका इंटरेस्ट उस गेम में है तो हम उसमें भी उनको आगे बढ़ें। उसके साथ साथ हमारे कैंपस की अगर हम बात करें, सो इट हैज़ बिकम मैंडेटरी इन आर स्कूल इन आर कैंपस that if you are in a school campus and the school in the school premises, you have to communicate in English language, whether you are a teacher, whether you are a student, it doesn't matter. Only when the teachers will communicate in English, then only the student will listen to you and they will come to know how to communicate in English in a proper way. तो बेसिकली क्या है, हमारा ये मोटिव नहीं है कि हम केवल इंग्लिश टू इंग्लिश सबको कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, अंग्रेज बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। संस्कार हमारे अपने ही होंगे जो भारतीय हम लोग के समाज में है संस्कार, बस भाषा पे कमांड उनका इंग्लिश पे भी होना चाहिए। कंप्यूटर पे हमारा मेन फोकस है और सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो गर्ल्स सेफ्टी और गर्ल्स की शिक्षा। मेरे स्कूल में लगभग ऑलमोस्ट हर एक कोने पे कैमरा इंस्टॉल कर दिया गया है, उसका फुटेज आप देख सकते हैं, ऑफिस में लगा हुआ है सब 24 आवर्स हमारे सामने यहाँ पे भी रहता है और मोबाइल फ़ोन पे भी रहता है। तो सेफ्टी, गर्ल सेफ्टी को हमने विशेष दर्जा दिया है यहाँ पे कि उनकी सेफ्टी पे विशेष ध्यान। ऑल द टीचर्स आर वेल क्वालिफाइड एंड दे आर क्वाइट स्मार्ट, दे नो हाउ टू डिलीवर द एजुकेशन सिस्टम, दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट। बाकी जैसा कि एक चीज़ और प्रश्न है, जैसे यहाँ पे देहात के एरिया जी और पैसे की कमी भी लोगों के पास, अगर आप उसमें पढ़ाना चाहें जो गरीब बच्चे हैं तो क्या उनको फीस में कंसेशन मिलेगा? सर एक्चुअली देखिए मैं आपको पूरा डिटेल दे ही देता हूँ। एक्चुअली जो बनारस में स्कूल चल रहा है हमारा, तो बनारस में इट्स काइंड ऑफ अर्बन एरिया, अर्बन रूरल मिक्स, तो वहाँ पे क्या अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है पेरेंट्स की, वो पेइंग कैपेसिटी उनके पास है, दे आर हैविंग अ गुड जॉब, दे आर हैविंग बिजनेसेस एंड ऑल, बट क्योंकि हम रूरल बेल्ट में हैं इधर गोरखपुर में तो पेइंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो दैट्स वाई हमने जो पूरा का पूरा अपना फी स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि वो एक मतलब डेली अगर कोई गार्जियन ऐसा है जो कि डेली 300-400 रुपए की मजदूरी करता है ना, वो भी अफोर्ड कर सकता है। यू नो व्हाट, वी आर स्टार्टिंग आवर फी फ्रॉम 600 रुपीज़ ओनली, सो दैट इज वेरी लेस आई गेस फॉर द गुड एजुकेशन। एटलीस्ट इतना 600 से आई मीन कम, बहुत ही कम है ऑलरेडी। बाकी एडमिशन फीस की बात करें तो इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 2500 एंड इन दैट यू आर गेटिंग अ वन मंथ फी
टाई बेल्ट प्रोस्पेक्टस एंड ऑल योर फॉर्म आई कार्ड डायरी सारी चीज़ें उसी में इंक्लूडेड है। तो आप एक देखेंगे कि मतलब एक अफोर्डेबिलिटी है, आराम से आप अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी एक और जो मेन पॉइंट है कि जैसे किसी के तीन बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गार्जियंस ऐसे हैं जिनके तीन तीन बच्चे, तो दो बच्चों की फुल फीस है, तीसरे बच्चे की हम कोई फीस ले ही नहीं। ठीक है।